बागेश्वर में कोतवाली पुलिस ने कत्यूर बाजार में गश्त कर आम जनमानस और व्यापारियों को जागरूक किया। बताते चलें कि दीपावली पर्व को देखते हुए कोतवाली पुलिस द्वारा जगह जगह सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ शांति व्यवस्था के लिए गश्त किया जा रहा है, जिससे कि बाजार क्षेत्र में भीड़ भाड़ के चलते आम जनमानस को किसी प्रकार की समस्या ना उठानी पड़े। इसके साथ ही कोतवाली पुलिस द्वारा सभी से शांतिपूर्ण तरीके से दीपावली पर्व को मनाने के लिए आग्रह भी किया जा रहा है। साथ ही वाहनों को अनावश्यक रूप से नो पार्किंग एरिया में खड़ा करने वालों पर चालानी कार्रवाई करने की भी बात कही गई है। दिवाली के अवसर पर पहले हमने आज बाजार में पूरा फोर्स लेकर के जो दुकानें ज्यादा बाहर लगी हुई थी उन्हें व्यवस्थित तरीके से लगाने के लिए बताया गया और चेतावनी दी गई कि अगर ये दुकानें अगर सही तरीके से नहीं लगी तो फिर भविष्य में चालान की कार्रवाई की जाएगी। उसके उपरांत जो हमारा हेलमेट का और ये पेपर राइडिंग का ये अभियान था ये लगातार जारी है। इसी तरीके से हम लगातार वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं, जो भी वाहन गलत तरीके से अनियमित तरीके से चलाते हुए पाया जा रहा है तो उसमें चालान की कार्रवाई की जा रही है। आगामी दिवाली के उपलक्ष्य में हमने जो है बाजार में व्यवस्था बनाने के लिए विशेष तौर धनतेरस के दिन जो है गाड़ियां बाजार में पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगी। इसके लिए हमने चारों दिशाओं से आने वाली जगहों पर चार जगहों पर पॉइंट बनाए गए हैं, जिस संबंध में हम पेपर में भी और लोकल टीवी चैनल में भी इसके संबंध में बता देंगे और बाकी दिनों में भी बड़ी गाड़ियों के हम सोच रहे कि बाजार में ना आए, इसके लिए भी हम व्यापारियों द्वारा सुझाव लिया गया था, उनके द्वारा भी बताया गया कि बाजार में गाड़ियाँ ना आने दें। तो इस पर भी जो है जब से दिवाली में भीड़ भाड़ लगनी शुरू हो जाएगी तो उसके बाद हम इन गाड़ियों को भी बाजार में प्रतिबंधित करने की सोच रहे हैं। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।